हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शॉर्ट स्टोरी द होली पंचायत बाय प्रेमचंद, इसको हम हिंदी में समझेंगे। ये एक इंग्लिश की, मतलब हिंदी की स्टोरी है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करी गई है प्रेमचंद की। ये स्टोरी जो है वो दो बेस्ट फ्रेंड्स की है जो कि बचपन से अच्छे दोस्त होते हैं। वो अपने एक दूसरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। एक है अलगू चौधरी और दूसरा होता है जुम्मन शेख। तो अलगू जैसे बाहर जाता है कहीं गांव से बाहर, तो वो अपना घर बार सब कुछ जुम्मन के भरोसे छोड़ के चला जाता है। और जुम्मन भी ऐसे ही करता है, अलगू को इतना अच्छा फ्रेंड अपना मानता है, वो भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है और अपना जो भी घर बार है उसके भरोसे छोड़ के चला जाता है अगर कहीं बाहर जाना होता है। तो वो इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं बचपन से। तो एक बार क्या होता है, जुम्मन शेख जो होता है उसकी एक आंट होती हैं जिनका कोई बच्चा नहीं होता, कोई वारिस नहीं होता। तो इस वजह से वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को देने के लिए तैयार होती हैं। पर उनको ये होता है कि वो बूढ़ी होती हैं कि उनकी कोई सेवा करे, इसलिए जुम्मन को वो बोलती हैं मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी, पर तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी, सेवा करनी होगी। तो जुम्मन भी तो समझदार होता है, वो ये सोचता है कि ये बूढ़ी हैं कितने दिन तक जिंदा रहेंगी, इसलिए वो भी मान जाता है उसे प्रॉपर्टी मिल रही होती है। तो वो और उसकी वाइफ जुम्मन की कुछ दिनों तक आंट की अच्छे से सेवा करते हैं, अपनी उसकी मौसी की अच्छे से उनको खातिरदारी करते हैं, खाना पीना देते हैं, जब तक उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम पे नहीं हो जाती। और जैसे ही उसकी रजिस्ट्री हो जाती है प्रॉपर्टी की जुम्मन के नाम पे, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है अपनी आंट के लिए। उसकी वाइफ जो होती है जुम्मन की, वो खाना ढंग से नहीं देती और ना उनकी देखभाल करती है, कम खाना देती है, बेकार खाना जैसे। तो ऐसे उसका चेंज हो जाता है बिहेवियर में जब उसके प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। ये सब देख के उसकी मौसी जो होती है, जुम्मन की आंट जो होती हैं, वो ये डिसाइड करती हैं कि वो जुम्मन से बोलती हैं कि मेरे को थोड़े पैसे दे दिया करो, मैं अपना खाना खुद बना के खा लिया करूँगी, तुम बस मेरे को थोड़े पैसे दे दिया करो। तो वो जुम्मन जो है मना कर देता है, बोलता है पेड़ पे थोड़ी उग रहे हैं पैसे जो मैं तुम्हें दे दूँ। तो ऐसे फिर आंट डिसाइड करती हैं कि वो पंचायत बुलाएंगी और वहाँ पे डिसीज़न होगा कि क्या सही है उनके लिए। तो वो पंचायत बुलाती हैं। तो जब पंचायत बुलाई जाती है तो वो अलगू, जुम्मन का जो बेस्ट फ्रेंड है, उसे अपना सरपंच चुनती हैं जुम्मन की आंट। तो जुम्मन को जब ये पता लगता है कि उसकी आंट ने अलगू को चुना है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो वो ये सोचता है कि अलगू तो मेरे ही पक्ष में लेगा कोई भी डिसीज़न, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे लिए ही फेवर में कोई डिसीज़न लेगा। फिर इसके बाद जब अलगू सरपंच की कुर्सी पर बैठता है तो वो ये कहता है कि यहाँ पे, मतलब सरपंच, अभी मैं सरपंच हूँ तो मैं ना तो किसी का फ्रेंड हूँ और ना ही दुश्मन, जो सही फैसला होगा मैं उसी के साथ रहूँगा। तो फिर अलगू जो है आंट की बात सुनता है और उनकी बात को ध्यान में रखते हुए वो ये डिसाइड करता है कि आंट के ही फेवर में, जो भी आंट कह रही है वो सही है, और आंट के ही फेवर में डिसीज़न लेता है। इससे जो है अलगू और जुम्मन की फ्रेंडशिप में दरार आ जाती है और फिर उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है। कुछ सालों बाद अलगू जो है वो दो बुल्स को ख़रीदता है, जिनमें से एक जो होती है वो मर जाती है किसी कारण से। तो अलगू को पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो एक गाय जो बची होती है उसके पास, उसे वो समझू शाहू, उसको वो दे देता है। तो समझू साहू जो होता है वो उस बुल की ठीक तरह से केयर नहीं करता, उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता है,
और खाना नहीं देता, जिसकी वजह से वो बुल बीमार होके मर जाती है एक दिन। तो फिर अलगू जो है वो पैसों की डिमांड करता है उससे कि मेरी जो बुल थी उसकी मुझे पेमेंट दो, जो मेरी बुल थी उसके लिए जितने पैसे हैं उसके मेरे को चाहिए। तो जो समझू साहू है वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि मैं नहीं दे रहा। फिर इसके बाद अलगू जो होता है वो पंचायत बुलाता है फैसले के लिए। तो अलगू जो है जब पंचायत बुलाता है तो जो समझू साहू है वो जुम्मन को इस बार सरपंच के लिए चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि जुम्मन और अलगू में दुश्मनी हो गई है उनकी, क्योंकि पिछली बार जो पंचायत हुई थी उसमें उसने उसका साथ नहीं दिया था, इसलिए इस बार वो उसके उसके पक्ष में नहीं होगा, उससे दुश्मनी का बदला लेगा। तो इसलिए वो समझू साहू जो है वो जुम्मन को अपना सरपंच चुनता है। इस बार जुम्मन जब सरपंच की कुर्सी पर बैठता है तो वो रिप्लाई करता है कि जब मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो मेरे लिए भी कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, तो जो भी सही फैसला होगा मैं बस वही चुनूँगा, उसी के पक्ष में होऊँगा। तो जब वो दोनों की बात सुनता है तो वो अलगू के ही फेवर में रहता है, क्योंकि वो सही होता है उस टाइम। तो अलगू को समझू साहू से पैसे दिलवा देता है, जिसकी वजह से क्योंकि इस टाइम अलगू जो है वो सही है। तो ये देख के उन दोनों की दोस्ती भी सही हो जाती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो पंचायत होती है तो पंचायत में जो भी सरपंच बनता है वो सही फैसला ही लेता है उस टाइम। इसलिए इस कहानी का नेम भी द होली पंचायत है, कि पंचायत की कुर्सी पे बैठने पे, सरपंच की कुर्सी पे बैठने पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, जो सही फैसला होता है बस वही लेते हैं।